अस्सलाम वालेकुम दोस्तों दोस्तों आज हम बात करेंगे कि ट्यूबबडी क्या है और इसको किस लिए इस्तेमाल किया जाता है और इसका यूट्यूब में इसका क्या किरदार है, क्या इसकी करेक्टरिस्टिक है और क्या प्रॉपर्टीज हैं। तो इन सारे सवालों को लेके हम चलते हैं। सबसे पहले हम ट्यूबबडी को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे। जिन लोगों ने डाउनलोड नहीं की हुई वो मेरा तरीका देख सकते हैं। तो आप लोगों ने जस्ट इधर सर्च कर लेना है ट्यूबबडी प्ले स्टोर में। ये विंडो फोन्स में भी इंस्टॉल हो जाती है और एंड्रॉयड के लिए भी है ट्यूबबडी। आप लोगों ने सर्च कर लेना है यहाँ से, क्योंकि मैंने पहले इसको डाउनलोड किया हुआ है। आप लोगों ने भी इसको इंस्टॉल कर लेना है डाउनलोड करने के बाद। तो ये सबसे पहले आप का जो अकाउंट है जीमेल अकाउंट मांगेगा, वही अकाउंट आपने लॉग इन करना है, वही उसी अकाउंट के साथ जिसके साथ आपका यूट्यूब चैनल बना हुआ है। तो उससे फायदा ये होगा कि आपका जो यूट्यूब चैनल है इसके साथ लिंक हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों ने इसको ओपन कर लेना है। इस तरह इसका कुछ इंटरफेस आएगा। यहाँ से इसका फायदा ये होता है ट्यूबबडी का कि हमारे पास जितने भी वीडियो अपलोडेड होती है हर एक वीडियो का अलग अलग ये बताता है इंटरफेस कि इस पे कमेंट्स कितनी हैं, लाइक कितने हैं और डिसलाइक कितने हैं और इस पे लाइव सब्सक्राइबर काउंट कितने होते हैं। तो ये सारा बता देता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बता रहा है अलग अलग कि आपके व्यूवर्स कितने आए हैं। तो उसके बाद कमेंट्स वगैरह ये सारा कुछ इसमें शो हो जाती है। जैसे कि अब मैं एक वीडियो पे क्लिक कर लेता हूँ, किसी पे भी क्लिक करने के बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में क्या क्या है ये इन्फो दे रही है ट्यूबबडी। ट्यूबबडी का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इससे पता चल जाता है कि कौन सी हमारी वीडियो लो रिजल्ट में है और उस पे टैग हमने कितने लगाए हैं, उसकी वीकनेस और स्ट्रेंथ के बारे में पता चल जाता है। उसके बाद ये बताता है कि शेयर ऑन ट्विटर पे करें, गेट अ लाइक ऑन फेसबुक, ऐड कैप्शन, टाइटल लेंथ, टैग लेंथ, ऐड टैग ऑन योर डिस्क्रिप्शन, ये सारी बातें यहाँ से हमें पता चल जाती हैं। यहाँ से मैं एक और वीडियो ओपन करके देख लेता हूँ, यहाँ से आप लोगों को पता चल जाएगा इसका फायदा क्या है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि मेरी जो वीडियो है, क्योंकि मैं न्यू न्यू चैनल बनाया हुआ है, यहाँ पे मेरे पास जो भी ऐप है, क्योंकि मैं सारा काम मोबाइल पे करता हूँ, तो मोबाइल पे करने की वजह से मेरी जो वीडियो है 720 में अपलोड हुई है। वो कहता है कि अपलोड हाई रेजोल्यूशन थंबनेल वो करना है और टैग टू योर टाइटल टैग लगाने हैं, ऐड टैग टू योर डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन मैंने नहीं लगाए हुए, ऐड टैग टू योर टाइटल में मैंने टैग लगाया। वो कहता है कि आपका 100% ठीक है, ओके का निशान आया हुआ है। तो बाकी सारे अभी नहीं हुए, सही था उनकी सेटिंग नहीं हुई, इसलिए वो कहीं क्वेश्चन मार्क आ रहा है तो कहीं इन्वर्टेड कॉमा आ रहा है। तो इस तरह हमें पता चल जाता है कि हमने वीडियो कैसे अपलोड करना है और उस पर क्या क्या करना है। तो ये सारी बातों का इसी से पता चल जाता है। पहले ये सिर्फ लैपटॉप और कंप्यूटर पे ट्यूबबडी काम करती थी, तो अब मोबाइल के लिए भी ऐप आ गई है। तो इसका सबसे फायदा यही है कि हमें एक एक वीडियो के बारे में पता चल जाता है कि ये हमने इस पे क्या काम करना है और कैसे करना है। तो ये था एक तरीका कि हम ट्यूबबडी पे काम कैसे कर सकते हैं और ट्यूबबडी क्या है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।